स्वदेशी जागरण मंच ने चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो अभियान के तहत किया विरोध प्रदर्शन। अमरोहा नगर के आवास विकास कॉलोनी के मुख्य द्वार पर स्वदेशी जागरण मंच के नेता सुधांशु विश्नोई के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभियान चीनी कंपनियां भारत छोड़ो के तहत चाइना का विरोध किया और चीन की कंपनियों से भारत छोड़ने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन भूल कर रहा है, चीन सोचता है कि वह भारत को गुलाम बना लेगा, लेकिन चीन यह भूल गया कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है और भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक है और भारत का हर एक देशवासी अपने भारत के मान स्वाभिमान के लिए अपनी जान देना भी जानता है। क्या मामला था जो आपने यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच ने एक अभियान छेड़ा हुआ है चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो। चाइनीज कंपनियां क्यों भारत छोड़ो, ये बहुत बड़ा विषय है। सब लोग जानते हैं कि वो चाइना जिसने 1962 से इस देश की 40,000 वर्ग फुट पर कब्जा किया हुआ है और वो अब फिर भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच करके भारत को गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन उसकी ये भूल है क्योंकि भारत 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। भारत का एक एक नागरिक जिस प्रकार से इस बार बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर जो राखी बांधी, वो रक्षा सूत्र बांधे, उन्होंने अपने जो सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि इस बात पर दी कि एक बहुत बड़ा चाइना का माल का बायकॉट किया और रक्षाबंधन मनाने के लिए उन्हें रक्षा सूत्र का उपयोग किया। ऐसी आने वाले त्यौहार दीपावली है और अन्य त्यौहार है, उन त्यौहारों पर हम कोई झालर नहीं लाएंगे, हम किसी प्रकार के चाइना के सामान का कोई उपयोग नहीं करेंगे। ये संकल्प लेकर के जब प्रत्येक भारतीय खड़ा होगा, ये चाइना अपने घुटनों के बल आ जाएगा और इसको तमीज आ जाएगी। विश्व में केवल भारत माता की जय होगी, उसका एक एक नागरिक साथ देगा, तभी हम भारत माता को पूरे विश्व गुरु बनाएंगे।